हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं शानू राणा। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी हब में। मैं डेली 15 क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, जो कि जनवरी 2019 से अब तक की जितनी भी करंट अफेयर हो सकती है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स NTPC, ग्रुप डी, SSC, MTS, किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ करंट अफेयर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर से भी लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मुझे मेरे मोटिवेशन को कम मत होने दीजिए, जिससे मैं और मेहनत करके आप लोगों के लिए और भी अच्छा मटेरियल ला सकूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव मुझे भेजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के मिराज 2000 युद्धक विमानों ने पाकिस्तान में किस स्थान पर स्थित आतंकी ठिकाने को 26 फरवरी 2019 को नष्ट कर दिया था। ये नष्ट कर दिया था भारत ने, ये किया था बालाकोट में। ये बालाकोट में, ये पाकिस्तान में ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी, जो कि 26 फरवरी 2019 को हुई थी रात के समय, जो कि हुई थी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बालाकोट है कहाँ पर। ये बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। कहाँ पर? खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। मैं लिख कर बता देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा ये एक प्रांत है पाकिस्तान का, जो कि ये बालाकोट यहाँ पर स्थित है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि युद्ध बंदियों से संबंधित है? ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो युद्ध बंदियों से संबंधित है? ये है जेनेवा कॉन्वेंशन। कौन सी है? जेनेवा कॉन्वेंशन। इसमें क्या होता है? इसमें चार संधियाँ और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल हैं। क्या है? इसमें चार संधियाँ इसमें चार हैं और प्रोटोकॉल कितने हैं? तीन है प्रोटोकॉल। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो जेनेवा संधि होती है, ये युद्ध बंदियों को, जो कि उनका जो मानव संरक्षण अधिकार होता है वो देती है जेनेवा संधि, जो कि जैसे कि अभी जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी, जिनको जो कि उनका एयरप्लेन जो क्रैक हो गया था, तो उनको पाकिस्तान में पकड़ा गया था, तो इसी संधि के तहत उनको वापस भेजा गया था भारत में। तो ये जो युद्धबंदी लोग होते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करती है ये संधि, जेनेवा संधि, जो युद्ध के दौरान पकड़े जाते हैं। अच्छा, ये पहली संधि कब हुई थी? पहली संधि हुई थी 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में हुई थी ये पहली संधि। अच्छा, अभी कौन सी संधि हुई है? ये अभी चल रही है चौथी संधि जो कि अभी चल रही है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब 196 देशों ने मिलकर ये चौथी संधि की थी। कब की थी? 196 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी। ये कब की थी? ये की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये 1949 में की थी, उसके बाद की थी। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। इसको आसान भाषा में क्या बोलेंगे? वैसे कि जैसे कोई अगर सैनिक पकड़ा जाता है युद्ध के दौरान, तो वहाँ के लोग जो होते हैं उस सैनिक से सिर्फ उसका नाम और उसका पद पूछ सकते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, उसके जाति धर्म इस सब चीज़ों से वो लोग नहीं पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 37 सदस्यीय FATF की फरवरी 2019 में बैठक हुई। FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया है? ये पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला है FATF ने। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। अब इसके बारे में देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। मैं लिख लिख के भी बताता जा रहा हूँ यहाँ पर। स्थापना हुई थी 1989 में, जब G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था। 1989 में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान इसी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जितने भी उपाय होते हैं उनकी जांच की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, उनसे निपटने के लिए इसकी जांच होती है। और इसमें कितनी सूचियां होती हैं? इसमें दो सूची होती हैं। कितनी सूची होती हैं? दो सूची होती हैं, जो कि कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ब्लैक लिस्ट होती है, और दूसरी होती है ग्रे लिस्ट, जो कि इसमें पाकिस्तान अभी आ चुका है ग्रे लिस्ट में, जो कि ग्रे लिस्ट होती है, जो कि आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। ग्रे लिस्ट इसमें पाकिस्तान आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
किस देश के सेना प्रमुख को 12 जनवरी 2019 को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है? ये भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है, ये है नेपाल, नेपाल को किया है। नेपाल के जो हैं जनरल, जो कि सेना प्रमुख है, जनरल पूर्ण चंद्र थापा। कौन है जनरल? जनरल पूर्ण चंद्र थापा, जो कि वहाँ के नेपाल के सेना प्रमुख हैं। इनको इस भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया है। और यहाँ पर नेपाल की बात आ गई तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के पीएम है ओपी शर्मा ओली। कौन है? ओपी शर्मा शर्मा ओली। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ओपी शर्मा ओली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ईरान के रणनीतिक महत्व वाले चबहार बंदरगाह के कामकाज का नियंत्रण जनवरी 2019 में किस देश ने संभाल लिया है? ये संभाल लिया है भारत ने। जो ईरान का चबहार बंदरगाह है, ईरान का है ये चबहार बंदरगाह, इसका नियंत्रण अब संभाल लिया है भारत ने। भारत अब ये पहली बार ऐसा काम करने जा रहा है जो किसी विदेशी बंदरगाह को संभालेगा, जो संचालित करेगा। अच्छा, ये क्या हुआ, ये 10 साल के लिए संचालित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2015 में ईरान गए थे तब ये उन्होंने ऐसा किया था, तभी ऐसा हुआ था। तो अब ये 10 साल के लिए इसको संभालेगा, चबाहर बंदरगाह को, और इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ये डॉकयार्ड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के निकट है, ये वाला डॉकयार्ड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के निकट है, पास में है। चलिए देखते हैं अब ईरान की बात आ गई यहाँ पर, यहाँ ईरान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। और इस बंदरगाह को जो है अब भारत संभालेगा। अब ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान जो है एशियन कॉन्टिनेंट में स्थित है, ईरान देश। इसकी कैपिटल है तेहरान। इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। क्या है इसकी करेंसी? रियाल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रियाल इसकी करेंसी है। इसके प्रेसिडेंट हैं अली खमनेई। कौन है? अली खमनेई इसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि राष्ट्रपति इसके हैं ईरान के, अली खमनेई ईरान के राष्ट्रपति हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस देश में प्रथम हिंदू मंदिर का शिलान्यास अप्रैल 2019 में किया गया? ये किया गया है, प्रथम हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और ये जो है इसको बोलते हैं UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिराइट्स। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड अरब एमिराइट्स बोलते हैं इसको। और इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और इसके प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जयाद अल नहान। क्या है? खलीफा बिन जयाद अल नहान इसके कैपिटल है, माफ़ कीजिएगा, इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जयाद अल नहान। और इसके जो यहाँ पर जो मोदी जी ने इसकी जो मंजूरी दी थी, मतलब जब मोदी जी जब गए थे संयुक्त अरब अमीरात, तब उसी दौरान जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे खलीफा बिन जयाद अल निहाल ने इसकी मंजूरी दे दी थी कि वहाँ पर हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, जो कि 2015 में दी गई थी इसकी मंजूरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस देश में भारतीय शैक्षणिक डिग्रियों को 31 मार्च 2019 को स्वदेशी डिग्रियों के समान दर्जा प्रदान किया है? ये स्वदेशी डिग्रियों के समान, अपने ही देश के समान, भारतीय डिग्रियों को भी, शैक्षणिक डिग्रियों को भी दर्जा प्रदान कर दिया है। ये किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने कर दिया है, यानी कि UAE ने ये दर्जा दे दिया है कि जो जितनी भी भारतीय डिग्री धारक होंगे वहाँ पर आप आसानी से नौकरी मिल ले सकेंगे। लेकिन उनके भी कुछ मापदंड होंगे, जो कि पूरे होंगे या नहीं उनके मापदंड, उस हिसाब से उनको वरीयता दी जाएगी। अभी वहाँ पर जो, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि जो खाड़ी जैसे जो देश हो जाएंगे वहाँ पर भारतीय लोग, वहाँ पर नौकरी आसानी से मिल सकेगी। अभी मैं UAE के बारे में बता चुका हूँ, जो कि इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं खलीफा बिन जयाद अल नहान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस राजनेता ने 1 मार्च 2019 को अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन IOC की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? यहाँ पर IOC की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था सुषमा स्वराज जी ने किया था। किसने किया था? हमारी जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। अब यहाँ पर IOC आया। IOC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है
कि IOC की बैठक में किसी भारतीय मंत्री को बुलाया गया है जो कि सुषमा स्वराज गई थी। यहाँ पर सुषमा स्वराज जी के बारे में मैं आप लोगों को जब भी इनका नाम आता है मैं हर बार बताता हूँ, तो सुषमा स्वराज जी का निधन कब हुआ था ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है, जो कि इनका निधन हुआ था 6 अगस्त 2019 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 2019 को, और इसके थोड़े दिन बाद ही 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली जी का निधन हुआ था। कब? 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली जी का निधन हो गया था। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप सभी को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध झेल रहे ईरान के साथ आयात निर्यात संबंधी लेनदेन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने मार्च 2019 को किस बैंक को दे दी है? ये जो जिम्मेदारी दे दी है ये दे दी है IDBI बैंक को दे दी है भारत सरकार ने जिम्मेदारी, और इससे पहले ये जिम्मेदारी थी ये यूको बैंक के पास थी। कौन सी बैंक के पास थी? यूको बैंक के पास ये जिम्मेदारी थी, अब IDBI बैंक के पास है। यहाँ पर IDBI का नाम आ गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। IDBI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और IDBI के CEO हैं, जो CEO वो हैं राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। और IDBI का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहे पायरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये पायरा बंदरगाह है जो कि बहुत ही चर्चा में रहा था पिछले दिनों, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है। और ये क्यों इसके बारे में आ रहा है? क्योंकि जो चीन जो है उसके साथ बांग्लादेश के विवाद लगे हुए हैं, क्योंकि चीन इस बंदरगाह को कब्जाना चाहता है, वो अपने हाथों में इस बंदरगाह को लेना चाहता है। अब यहाँ पर बांग्लादेश की बात आ गई है, बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की जो PM है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब यहाँ पर बंदरगाह की बात आ गई है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। कौन सा? ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ग्वादर बंदरगाह या ग्वादर डॉकयार्ड, ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। ये है पाकिस्तान में। और एक बंदरगाह और इम्पॉर्टेंट आता है हम्बन टोटा। कौन सा? हम्बन टोटा। ये बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है इसके बारे में भी देख लेते हैं। हम्बन टोटा बंदरगाह जो है ये है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको लगभग पूरा कब्जा लिया है, अपने हाथों में ले लिया है चाइना ने। चीन ने पूरा इस बंदरगाह को अपने हाथों में ले लिया है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और पायरा बंदरगाह बांग्लादेश में है, हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस देश में फरवरी 2019 में अरबी अंग्रेजी भाषा के पश्चात हिंदी भाषा उस देश के न्यायालयों की तीसरी आधिकारिक भाषा होगी? अब वहाँ उस देश में अरबी और अंग्रेजी भाषा चल रही है वहाँ के न्यायालयों में, अब हिंदी को भी वहाँ की तीसरी भाषा बना लिया गया है वहाँ संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब एमिराइट्स में। वहाँ पर हिंदी को भी अपनाया गया है, वहाँ के उच्च न्यायालयों में हिंदी पर भी बात की जाएगी। मैं UAE के बारे में दो बार बता चुका हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। G20 देशों के 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 28 से 29 जून 2019 को कहाँ किया गया था? ये G20 देशों के 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में हुआ था ये हुआ था ओसाका में। ओसाका कहाँ है? जापान में। कहाँ हुआ था? ये ओसाका में हुआ था, जो कि जापान के अंदर है। अब ये G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, और इससे पहले 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था G20 का? 13वां वाला हुआ था ब्यूनर्स आयर्स में। कहाँ पर? ब्यूनर्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ब्यूनर्स आयर्स में हुआ था, जो कि अर्जेंटीना में है। ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनर्स आयर्स। यहाँ पर तीसरा G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। अब ये G20 होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये 20 देशों का एक समूह है जो कि वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह होता है। कौन कौन से? वित्त मंत्रियों और सेंट्रल, जो कि देश के, जो हर देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल गवर्नर्स होते हैं, सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स, उनका समूह होता है और ये अर्थव्यवस्था पर देखरेख करता है। और इसमें कितने देश हैं? 19 और एक यूरोपीय संघ है। कितने देश हैं इसमें? 19 तो देश हैं इसमें, 19 देश हैं इसमें, और एक क्या है? यूरोपीय संघ भी इसमें एक जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये टोटल हो जाते हैं 20। अच्छा, G20 का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था
2008 में कब हुआ था, पहला इसका सम्मेलन कब हुआ था मैं लिख देता हूँ, 2008 में हुआ था, जो कि 14 से 15 नवंबर को हुआ था। कब? 14-15 नवंबर को हुआ था G20 का शिखर सम्मेलन, जो कि पहला हुआ था 2008 में हुआ था। और यहाँ पर जापान की बात आ गई है, तो जापान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान की करेंसी है येन। जापान की कैपिटल है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, कौन है? शिंजो अबे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यही शिंजो अबे ही जो हैं यही G20 के अध्यक्ष हैं। कौन है? G20 के ये अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अभी यहाँ पर एक देश और था, अर्जेंटीना की बात की थी मैंने। अर्जेंटीना जो कि इसकी कैपिटल है ब्यूनर्स आयर्स, यहीं पर 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का। और ब्यूनर्स जो जो अर्जेंटीना देश है ये साउथ अमेरिकन देश है। कौन सा? साउथ अमेरिकन देश है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जून 2019 में 19वें शंघाई सहयोग संगठन SCO का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था SCO का, शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन हुआ था बिश्केक में हुआ था। कहाँ पर? बिश्केक में हुआ था। ये 19वें शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन हुआ था बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। किर्गिस्तान की ये कैपिटल है बिश्केक। यहीं पर 19वें SCO का शिखर सम्मेलन हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी सोरोनोवे जीन बेकोव ने की थी। किसने? सोरोनोवे जीन बेकोव, यहाँ मैं लिख देता हूँ सोरोनोवे जीन बेकोव, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि राष्ट्रपति हैं किर्गिस्तान के। कहाँ के? किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही 19वें SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की थी इस बार। अभी यहाँ पर देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी SCO की। SCO की स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996 में हुई थी। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, वीडियो जैसे लंबा ना हो। 26 अप्रैल 1996 में हुई थी। और इसमें तब कितने देश थे? 5 देश थे। और अब कितने हैं? 15 देश हो गए हैं, जो कि 2001 के बाद से 15 देश हो गए, यानी कि 2000 इसका स्थापना माना जाता है। इसका मतलब स्थापित जो हुआ था वो 1996 में हो गया था, लेकिन जो स्थापना हुई थी वो हो गई थी 2001 में। तब 15 देश इसमें जुड़ गए थे। उम्मीद है कि सभी को समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे 22 जून 2019 को अमेरिका का रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? ये डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये किया है मार्क एस्पर को किया है। ये रक्षा मंत्री नियुक्त किया है अमेरिका का मार्क एस्पर को। यहाँ पर अब अमेरिका की बात आ गई। अमेरिका की, जैसा कि सभी को पता होगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अमेरिका की कैपिटल Washington DC और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। क्या है? करेंसी डॉलर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात समझाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ सभी आप लोग मिलकर लाइक कीजिए, जितने भी लोग देखते हैं सभी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करूँ और भी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता रहूँ। चले देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। शरणार्थी मसले पर किन देशों के बीच जून 2019 में समझौता हुआ था? ये हुआ था अमेरिका और मेक्सिको के बीच ये समझौता हुआ था शरणार्थी मसलों पर। अब ये मेक्सिको की बात आ गई है। मेक्सिको की कैपिटल क्या है? मेक्सिको सिटी। क्या है? मेक्सिको सिटी। और मेक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पैसो। क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एड्रेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा लंबा नाम है, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। क्या? ओब्राडोर। क्या नाम इनका पूरा है? एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। सिर्फ ओब्राडोर से ही याद रख सकते हैं, ओब्राडोर यहाँ मेक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। अब ये मेक्सिको ये है कहाँ पर? ये नॉर्थ अमेरिका देश है। कौन सा देश है? नॉर्थ अमेरिका देश है। चले देखते हैं अब आज कल का होमवर्क क्वेश्चन। कल के होमवर्क क्वेश्चन में मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिए थे। देखिए, किस भारतीय को टाइम पत्रिका की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 में शामिल किया गया है? ये किसको किया गया है? ये है अजय नागर। कौन है? अजय नागर, इनको शामिल किया गया है। और ये यूट्यूबर हैं, जो कि इनके किस नाम से चैनल है यूट्यूब पर, किस नाम से जाने जाते हैं? कैरी मिनाटी। मैंने आप सबको सब कुछ बता दिया था, कैरी मिनाटी इस नाम से ये जाने जाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल के 70 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। देखते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है,
भारतीय मूल की किस महिला को UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम ने 8 मार्च 2019 को अपनी सद्भावना दूत नियुक्त किया, सद्भावना दूत गुडविल एम्बेसडर, मतलब सद्भावना दूत का मतलब है गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन कौन से आपसे चार ऑप्शन है यहाँ पर, इंदिरा नुई, पद्मा लक्ष्मी, कमला हैरिस, निक्की हेली, यहाँ पर कोई राइट आंसर होगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ भेजिएगा क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल के वीडियो में मिलते हैं, चलिए जय हिंद।